moments later. आदर आदाब अभिनंदन आभार मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामे में। तो दोस्तों आज की वीडियो एक बार फिर से धमाकेदार रॉकिंग वीडियो आज आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ। तो जो मेरे भाई लोग परेशान रहते हैं कि भाई हम लोगों को दिल्ली में अपना घर लेना है यार, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल और सबसे लोएस्ट प्राइस में, जी हाँ सबसे लोएस्ट प्राइस में आज आप लोगों को फ्लैट दिखाने वाला हूँ यार। मतलब आप ये मान लीजिए जो किराया आप भर रहे हैं दिल्ली के घरों में, उन किराए को आप बेसिकली यहाँ पे ईएमआई बनवा करके खूबसूरत से फ्लैट को अपना बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ लक्ष्य इंफ्राटेक पे, क्योंकि यहाँ से सस्ते और यहाँ से रीजनेबल रेट में आप लोगों को घर कहीं और नहीं मिलने वाला है। उनकी लोकेशन पड़ती है डेले फंकोर विहार, दिल्ली एनसीआर में पूरा आता। चलिए मिलते हैं भैया से, देखते हैं क्या क्या वैरायटीज है, कहाँ की लोकेशन होगी, फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आशीष भैया मेरे साथ, हेलो भैया कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सर कैसे? बहुत बढ़िया सर जी। तो सर हमारे जो नए व्यूअर्स उनको बताइए आप किन किन प्रॉपर्टीज में डील करते हैं जी। बेसिकली आज क्या है, आज हम 2 BHK का फ्लैट लेके आए हैं लक्ष्य प्रोडक्ट की तरफ से, जो कि हम आगे भी लेके आते रहते हैं और आगे भी लेके आएंगे आपके लिए। हमारी खुद की साइट्स होती हैं, हम बनाते हैं वैसे 2 BHK। जो स्टार्टिंग बजट रहता है, पहले बताना चाहूँगा 1 BHK के बारे में, 1 BHK स्टार्टिंग बजट 9.5 लाख रुपये से लेकर 12.5 लाख के बजट में हमारी प्रॉपर्टी बनती है और 45 से 55 गज का साइज आपको मिलता है। बहुत अच्छा साइज कारपेट साइज में देते हैं, तो 90% तक लोन आप अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 BHK के बारे में। 2 BHK जो स्टार्टिंग बजट रहता है हमारे पास, वो 15.5 लाख रुपए से लेकर 22 लाख के बजट में आपको यूनिट बहुत सुपीरियर मिल जाता है। 75 गज का साइज मिल रहा है आपको, 75, 80 और 85 गज का साइज आपको इसमें मिल जाता है। ये हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन रहता है, आप एक डीलर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू आप प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, एक बिल्डर से आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, यानी कि फर्स्ट बायर आप ही रहेंगे। जो भी प्रॉपर्टी आप लोगे हमसे, फर्स्ट बायर आप ही लोगे, कोई इसमें रीसेल वाला काम नहीं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कमीशन कोई ब्रोकरेज वाला काम नहीं है, क्योंकि बिल्डर से बेसिकली आप डील कर रहे हैं, यहाँ पर खुद की बिल्डिंग वगैरह होती है। तो भैया आज की हम वीडियो में कौन सा फ्लैट दिखा रहे हैं? आज हम दिखा रहे हैं आपको 2 BHK का फ्लैट, जो कि काफी अच्छा बना हुआ है, 80 गज का साइज में आपको मिल रहा है, ठीक है, और बहुत बढ़िया है। 60 फिट का रोड आपको फ्रंट पे मिल जाता है, रोड फेसिंग प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं। और बजट की बात करोगे तो बहुत रीजनेबल बजट आज हमने आपके लिए रखा है, 18 लाख रुपए में मात्र ये प्रॉपर्टी आपको, सिर्फ 18 लाख में 2 BHK जी जी जी। और 85 से 90% लोन के साथ ये प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड हो रही है। 10% पेमेंट कीजिए प्लस रजिस्ट्री कॉस्ट और अपना शिफ्ट हो जाइए आप। तो देखते हैं कैसे होने वाला हमारा फ्लैट, आइए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेन साइड पे और ये देखिए इस तरह से आप लोगों को पूरी बिल्डिंग मिलने वाली है। ईस्ट फेसिंग है पूरा? हाँ, ईस्ट फेसिंग फ्लैट है। अच्छा जी, ठीक है। 60 फिट का वाइड रोड है, पार्क फेसिंग यूनिट हो जाएगी, बिल्कुल जी, काफी बढ़िया है। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि भैया हमें सुबह सुबह धूप चाहिए, तो आप लोग पूरा सनलाइट वाला बेसिकली यहाँ पर मजा ले सकते हैं। और सर लोकेशन बेसिकली बताइए, ये कहाँ की लोकेशन हमारी है? ये लोकेशन रेल विहार है, गेटेड सोसाइटी है, गाजियाबाद की लोकेशन, दिल्ली से सटा हुआ, गेटेड कॉम्बिनेशन रहेगा सारा का सारा। तो दोस्तों स्टेयर से हम लोग आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हमारे फ्लैट की एंट्रेंस यहाँ पे होने वाली है, ठीक है सर। डोर साइज वगैरह की बात करूँ तो क्या साइज वगैरह होगा डोर का? हाइट की बात करेंगे तो 7.5 फीट तक की हाइट है और मैट फिनिश में दिया होता है और हाइड्रोलिक लॉक इसमें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करके देते हैं। क्या बात है। तो देखेंगे आप, ये हाइड्रोलिक डोर लॉक आपको मिल जाता है यहाँ पे। और डोर की बात करोगे तो हार्डवुड डोर आपको यहाँ मिल रहा है। और बात करेंगे अपने ड्राइंग रूम एरिया की, बहुत अच्छा ड्राइंग रूम एंट्रेंस, ये देख सकते हैं आप लोग लिविंग एरिया पूरा आप लोगों का, ये काफी ह्यूज बड़ा सा पूरा ये होने वाला है, देख सकते हैं। एंटी इसके टाइल्स के साथ स्लिप रेजिस्टेंस रहता है काफी अच्छा, पूरा मैट बेस दे रखा है ये, जी जी टाइल का वर्क है। और इसी के साथ देखेंगे यहाँ हमने आपको वॉल टेक्सचर दे दिया है। अच्छा जी जी, एशियन पेंट इसमें यूज किया हुआ है, उसी की कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे फॉल सीलिंग में येलो कॉम्बिनेशन में आपको फॉल सीलिंग में मिल रहा है, एलईडी के साथ से देखिए दोस्तों जी। अभी तो सुपर, मतलब एक काफी अच्छी डिजाइन देखिए, ट्रायंगल शेप में दे रखा है फॉल सीलिंग में, बहुत ही बढ़िया जी। और अभी तो इसमें फैन लगना है, लाइटिंग का प्रोविजन आपको मिलेगा, यानी डिलीवरी के बाद आपको फैन और लाइट सब दिया जाएगा। और एक वॉश बेसिन भी आउटसाइड दे रखा है, ये देखेंगे ना, पार्टी वगैरह करना हो जैसे आउटसाइड हैंड वॉश करना है तो आप इसे यूज भी कर सकते हो, वॉश बेसिन भी आपको मिल रहा है। और इसी के साथ चलते हैं अपने वॉशरूम एरिया में, कैसे होने वाला वॉशरूम एरिया वो दिखा देता हूं मैं आपको जी। तो देखेंगे सबसे पहली बात करते हैं टाइल्स की, 7.5 फिट तक की टाइल्स इसमें आपको मिल जाती है, ठीक है सर। और इसमें सारी फिटिंग्स करके मिलती है, इसमें इंडियन टॉयलेट मिल रहा है आपको, ठीक है। और गीजर का प्रोविजन आपको मिल जाता है, ठीक है, गीजर आप लगा सकते हो, ठीक है। और शावर और टैब की कनेक्टिविटी इसमें मिल जाती है, ओके। और साथ में देखेंगे कि विंडो भी आपको प्रोवाइड हो रही है, आप एजॉक्स वगैरह लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जी, बिल्कुल जी। और इसी के साथ ही शाफ्ट का एरिया 2.5 गज के शाफ्ट है जो वेंटिलेशन के लिए रहेगा। और हम चलते हैं अपने किचन एरिया में, किचन एरिया की बात करेंगे तो बहुत अच्छा साइज आपको 6x8 की किचन मिल जाती है ओपन सरफेस में। अच्छा जी। और आईजी
एक्सटर्नल गैस टैंक के कनेक्शन भी आप ले सकते हैं। गैस पाइपलाइन ही दे रखी है जी, फैमिली शिफ्टेड है, हाँ जी, बुकिंग ओपन है, ठीक है, ठीक है। और स्टोरेज की बात करेंगे तो ये स्टोरेज देखेंगे काफी अच्छा सुपीरियर स्टोरेज आपको मिल जाता है, ठीक है। और नीचे भी देखेंगे ना तो पार्टीशन दे रखा है, ओके जी, यहाँ सिंक का प्रोविजन आपको मिलेगा, कटिंग होके सिंक का भी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो फिनिशिंग काम, हाँ फिनिशिंग का काम चल रहा है इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ अपना आरओ अपॉइंट कर सकते हो और चिमनी के लिए यहाँ स्पेस दे रखा है, चिमनी आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये देखेंगे पूरा टाइल्स का वर्क कर रखा है जो इजी टू वॉश रहेगा। अब चलते हैं अपने रूम नंबर वन। सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोगों को शाफ्ट मिल रहा है, तो वेंटिलेशन भी आप यहाँ पर अपना निकाल सकते हैं चिमनी वगैरह के लिए जी, तो काफी अच्छी स्पेस बेसिकली आप लोगों को ड्राइंग रूम लिविंग एरिया की देखिए इस तरह से पूरी मिल जाएगी, काफी बड़ा सा बेसिकली लिविंग एरिया है। सर इसका साइज क्या होगा, साइज की बात करूँ इसकी, तो साइज की बात करें तो सर 11x18 का साइज, 11x18 का रहेगा, ड्राइंग डाइनिंग आप इजिली कर सकते हो। और बात करेंगे सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल, यानी कि दोनों रूम से आपको बालकनी कनेक्टेड मिल रही है। आप ऐसे देखोगे मैं ओवरलुक दिखाता हूं, दोनों से आपकी क्या बात है एक्सेसिबिलिटी, आप आराम से आ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। जब हम खड़े हैं दोस्तों तो पूरी एयर सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पर, देख सकते हैं। और दोनों में आप विंडो एसी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों में प्रोविजन आपको मिल जाता है। और साथ में कनेक्शन की बात करेंगे, साथ में कनेक्शन भी अपना दे रखे। आप चलते हैं रूम नंबर वन में, ये रूम नंबर वन है। साइज की बात करोगे तो 11x12 का स्पेस इसमें मिल जाता है। अच्छा, और सेम एशियन पेंट इसमें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करके देते हैं, हाँ जी, ठीक है जी। और सेम टाइल्स का वर्क कर रखा है, और ऊपर टॉप पे देखेंगे तो टॉप पर भी आपको काफी अच्छा पेंट काम कर रखा है, देख सकते हैं काफी अच्छी फॉल सीलिंग बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ही मिल रही है। और इधर आप चाहे तो टीवी वगैरह भी हैंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अटैच वॉशरूम रहेगा, ठीक है, सैनिटरी फिटिंग, टैप की फिटिंग और शावर की फिटिंग, ठीक है। इंडियन टॉयलेट है, इसमें इंग्लिश टॉयलेट है, जिनकी डिमांड इंग्लिश की रहती है वो इंग्लिश यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी यूज कर सकते हैं। और वॉश मशीन भी अंदर पॉइंट करके दे रखा है, देखेंगे। अच्छा जी, ओके जी, मतलब स्पेशियस में कहूँ तो पूरा बना रखा है, कहीं से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं रूम नंबर टू में, कैसे होने वाला रूम नंबर। अच्छा, सबसे अच्छी बात है दोस्तों देख सकते हैं दोनों साइड से आप लोगों को यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाएगी बालकनी की। जो भी पहले नेक्स्ट आप लोगों को बेडरूम दिखाते हैं, फिर घर ले आते हैं जी जी। ये देखिए दोस्तों इस तरह से पूरी आप लोगों की जस्ट कनेक्टेड ही आप लोगों का सेकंड बेडरूम ये होने वाला है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हम आ गए अपने सेकंड बेडरूम में जो कि बालकनी से अटैच्ड है, ठीक है। रूम नंबर वन भी दिखाया था, वो भी बालकनी अटैच्ड था, और ये भी बालकनी से अटैच है, बिल्कुल जी। सेम इसमें एशियन पेंट यूज किया हुआ है, ऊपर भी टॉप पर भी पेंट का वर्क मिल जाता है, काफी अच्छा पूरा लुक मिल रहा है, डिजाइन बनाई हुई है। और विंडो एसी आप लगा सकते हैं, उसी के साथ पॉइंट दे रखा है, हाई वोल्टेज पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, विंडो एसी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप चलते हैं अपने बालकनी एरिया में, बालकनी एरिया की बात करोगे तो आपको स्पेस मिलता है 4x8 का। अच्छा जी, और सबसे अच्छी बात कि ये पार्क फेसिंग यूनिट आपको मिल रही है। अच्छा जी, क्या बात है, सामने ही पार्क है, सामने पार्क है, ये देखिए जी, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, 60 फीट का रोड है, गाड़ी भी आप आउटसाइड खड़ी कर सकते हो, बिल्कुल। ये देखिए ये आपकी फ्रंट की रोड रहेगी, मतलब जी पूरा आप लोगों को स्पेशियस रोड वगैरह मिल रहा है, आपके पास फोर व्हीलर वगैरह भी हो तो आप इजिली पार्क कर सकते हैं जी जी। और फ्रंट में देखें कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है तो आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाएगी। बालकनी के एरिया ये देख लीजिए, यहाँ पे टैप दे रखा है, तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और एंड टू एंड आप लोगों को देखिए टाइलिंग लगी हुई यहाँ पर मिलने वाली है जी। फ्रंट पे बेसिकली हम टाइल्स का ही वर्क ज्यादातर प्रोवाइड करते हैं आपको, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर देते हैं आपको, ग्रिल्स लगा के देते हैं जो कि सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वालिटी में कोई भी हम गुंजाइश ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी वाला बेसिकली पूरा आप लोगों को वर्क यहाँ पे मिल रहा है जी। फ्लैट आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त देखिए होने वाला, मतलब स्पेशियस में बात करूँ तो काफी स्पेशियस ये फ्लैट होगा। सर कितने एरिया में आपने बताया, ये टोटल ये 80 गज का साइज है, वो भी मात्र 18 लाख रुपए में, सिर्फ 18 लाख में जी जी। क्या बात है, मतलब 90% लोन के साथ, सर ये तो स्कीम बताने रहेंगे, बिल्कुल 90% लोन आप इजीली इसमें अवेल कर सकते हो। अच्छा जी, 10% पे कीजिए प्लस रजिस्ट्री कॉस्ट, और इस फ्लैट को आप अपना बना आप सकते अपना हो, बना सकते हैं दोस्तों। जो किराया आप दिल्ली के घरों में किराए पे रह के भर रहे हैं, उन किरायों में बेसिकली आपका ये फ्लैट हो सकता है, आप उसकी किस्तें भर करके बेसिकली इन खूबसूरत से फ्लैट को आप अपना बना सकते हैं। 13 से 14 हज़ार किस्तों पे ये प्रॉपर्टी आप अपनी बना सकते हो, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखेंगे पावर फेसिंग यूनिट मिल रहा है और फुल वेंटिलेशन के साथ, तो मेरे हिसाब से जीडी अप्रूव प्रॉपर्टी 90% लोन के साथ कहीं भी आप देखोगे, इतने बजट में यूनिट आप कहीं तो कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और भैया फैसिलिटीज की बात करूं तो मार्केट वगैरह आसपास सब कुछ दे रखा है जी जी जी। ये एक्चुअली क्या है, ये गेटेड सोसाइटी है, ओके, सिंगल साइड एंट्री है, गार्ड्स है, डे नाइट में गार्ड्स बैठते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यानी गार्ड के ब्याह से यहाँ एंट्री होगी आपकी, तो एक सिक्योर लोकेशन
लोकेशन है, फैमिली के लिए सबसे बढ़िया लोकेशन है ये। बात करेंगे हॉस्पिटल की तो 3 हॉस्पिटल है मेरी लोकेशन पे, ठीक है। मार्केट एरिया की बात करोगे तो ईसीडी हो गया, ग्रोफर्स हो गया, और भी छोटी छोटी मार्केट जो रहेंगे यहाँ पे, 3 हॉस्पिटल हो गए साथ में। और बात करेंगे जैसे कनेक्टिविटी, जैसे ओला उबर हो गया तो वो भी, मतलब सारी चीजें बेसिकली सब कुछ मिल जाएगा आपको यार, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, जो कुछ भी चाहिए आप लोग इजीली यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग रहते हैं डीएलएफ अंकुर विहार, नॉन एरिया है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। तो आप लोग सर को कॉन्टेक्ट करके बेसिकली इस खूबसूरत से फ्लैट को आप अपना बना सकते हैं। दोस्तों ये आप लोगों को 2 BHK का देख सकते हैं, काफी रीजनेबल, सबसे लोएस्ट प्राइस में हमने आप लोगों को फ्लैट दिखाया यार। तो किसी को भी लेना हो आप लोग भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हर तरह के फ्लैट की वैरायटीज आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है। और आप ये मान लीजिए इससे प्राइम लोकेशन, इससे अच्छी फैसिलिटीज, इससे अच्छा प्राइस आप लोगों को दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं यार, मेहनत करते रहते हैं आप लोगों के लिए। अगर पसंद आती है तो लाइक ठोक देना, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहता है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।